हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल दिस सेलिंग लिस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे एंड मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है। आप जब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मरीन बॉयलर एंड स्टीम इंजीनियरिंग कोर्स फॉर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल जिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज MBSO एंड MBSN DG शिपिंग एग्जिट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो दिस इज़ कम्बाइंड सेट नंबर 2 फॉर MBSO एंड MBSN। सो प्रीवियस सेट में मैंने क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कस किया था। इसमें इस सेट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 ऑनवर्ड्स। सो क्वेश्चन 66 इज इन द बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाई प्रेशर बॉयलर विथ 4 बर्नर्स आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट आंसर इज सी, द मैक्सिमम सेट पोजिशन ऑफ फ्यूल कंट्रोल वॉल्व इन सच दैट द बेस बर्नर विल ऑलवेज मेंटेन अ स्टेबल फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 67 इन द बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम विथ 4 बर्नर्स, आंसर इज डी। कन्वर्सली इफ द फ्यूल प्रेशर फॉल्स टू प्री सेलेक्टेड मैक्सिमम द बर्नर विल शट ऑफ एट बर्नर विल शट ऑफ वन एट अ टाइम अंटिल ओनली द बेस बर्नर रिमेन्स। क्वेश्चन नंबर 68 इन हाई प्रेशर बॉयलर ACC स्टेटमेंट फाइंड इनकरेक्ट अजम्पशन। तो करेक्ट आंसर इज बी, द बॉयलर प्रेशर कैनॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट विल। क्वेश्चन नंबर 69 मास्टर सिग्नल इज जनरेटेड बाय कंप्यूटिंग रिले बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ, आंसर इज सी, स्टीम। क्वेश्चन नंबर 70 इनसफिशियंट कंबशन एयर विल कॉज ऑटोमाइजर फ्लेम्स टू अपियर एज, आंसर इज सी, डल रेड फ्लेम विथ ब्लैक स्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 71 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर रिफ्रैक्टरी मटेरियल वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आइडेंटिफाई, आंसर इज ए, इट डज नॉट एक्ट एज अ हीट रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 72 इफ द बर्नर वेयर इंसर्टेड टू फार इन टू द बॉयलर फर्नेस इट कुड कॉज कार्बन डिपॉजिट्स ऑन द, आंसर इज बर्नर टिप। क्वेश्चन नंबर 73 अ स्पेयर प्लेट इज यूज्ड इन रिटर्न फ्लो फ्यूल ऑयल ऑटोमाइजर्स करेक्टली इंस्टॉल इफ द ऑयल, आंसर इज बी, पासिस थ्रू द टेंजेंशियल स्लॉट्स बिफोर पासिंग थ्रू द वर्लिंग चेंबर। क्वेश्चन नंबर 74 How is the air fuel ratio decided for boiler during firing? Answer is A. Air to fuel ratio depends upon the load on the boiler. So यहाँ पे load is missing है. So air to fuel ratio is depends upon the load on the boiler. Question number 75. What is the purpose of movable air doors in the air resistor? So answer is B, function to open and close the resistor. Question number 76 an explosion or flare back will occur in a boiler if, answer is D, the firebox is not purged before attempting to light the fire. Question number 77 the firing range of variable capacity return flow type of fuel atomizer is regulated to meet steam demand by varying the, answer is B, fuel oil return pressure. Question number 78 improper atomization can be caused by, answer is D, dirty sprayer plates. Question number 79 which of the significant combustible element of fuel oil is major source of boiler corrosion? Correct answer is B, sulfur. Question number 80 if oil is observed in steam drains from a fuel oil heater you should, answer is C, secure that heater and transfer operation to another. Question number 81 which of the copper alloys listed is commonly used in heat exchangers and possesses a high resistance to corrosion? So correct answer is D, cupronickel. Question number 82 the boiler fuel oil system suction strainers are also known as the dash strainers, so it is cold strainers. Question number 83 a desirable property of boiler fuel oil is, answer is C, high BTU content per pound of fuel oil.
क्वेश्चन नंबर 85, द मेन रीजन फॉर हैविंग लो सक्शन लाइन ऑन फ्यूल ऑयल सर्विस और सेटलिंग टैंक इज टू, आंसर इज डी, टू फैसिलिट वाटर रिमूवल. क्वेश्चन नंबर 86, वाटर इन द फ्यूल सप्लाई टू द स्टीमिंग बॉयलर कैन बी डिटेक्टेड बाय, आंसर इज बी, स्पटरिंग ऑफ फायर. क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन स्पटरिंग इज डिटेक्टेड इन द बॉयलर फायर्स इंडिकेटिंग वाटर इन द फ्यूल, विच ऑफ द प्रोसीजर्स लिस्टेड बिलो शुड बी फॉलोड, आंसर इज डी, शिफ्ट टू द सेटलर हाई सक्शन. क्वेश्चन नंबर 88, फ्यूल ऑयल इज हीटेड बिफोर ऑटोमाइजिंग टू, आंसर इज ए, टू रिड्यूस द विस्कोसिटी. क्वेश्चन नंबर 89, पंप्स नॉर्मली यूज्ड फॉर फ्यूल ऑयल सर्विस आर, आंसर इज ए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप्स. क्वेश्चन नंबर 90, इफ मोर देन वन बॉयलर इज इंस्टॉल्ड टू सप्लाई स्टीम टू अ कॉमन लाइन, द मेन स्टीम स्टॉप वाल्व यूज्ड ऑन ईच बॉयलर मस्ट बी ऑफ स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न टाइप, आंसर इज ए, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 91, इन केस ऑफ मोटर ड्रिवन सूट ब्लोअर द पर्पज ऑफ वेंचुरी नोजल्स ऑन द लेंस ट्यूब इज टू, आंसर इज बी, कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इन ब्लोइंग मीडियम टू काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 92, एट वॉट वर्किंग प्रेशर बॉयलर सेफ्टी वाल्व इज सेट, आंसर इज बी, मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 93, बॉयलर फीडबैक चेक वाल्व आर फिटेड ऑन द स्टीम ड्रम एंड इकोनोमाइजर इनलेट हेडर टू, आंसर इज सी, टू रेगुलेट फीड वाटर सप्लाई इन टू द बॉयलर. क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टीम स्टॉप वाल्व, आंसर इज ए, द वाल्व बॉडी इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील, वाल्व एंड वाल्व सीट आर मेड अप ऑफ मोनिल मेटल स्लैश एसएस. क्वेश्चन नंबर 95, एट व्हाट प्रेशर यू विल सेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी वाल्व आफ्टर ओवरहॉलिंग, सो करेक्ट आंसर इज बी, it will be set for opening at 3% of the maximum pressure and closing at 5% lower than the maximum pressure. Question number 96, heat recovery potential from single pressure Rankine cycle, find and incorrect statement. Answer is C, more thermally efficient than dual pressure system. Question number 97, recommended operation procedure combating and controlling AGE soot fire, E.g., man B&W, if the soot fire has turned into an iron fire, find the incorrect statement. Answer is D, fire level 2. When the boiler tubes have started to melt down, do not stop the circulating water pump. Question number 98, recommended operation procedure combating and controlling AGE soot fire, e.g., man B&W, if the soot fire has been just discovered, find incorrect statement. Answer is B, stop operating the circulating pump. Question number 99, for a total heat recovery plant in a medium speed engine, find the incorrect statement. So answer is C, the economizer outlet heat temperature is less than 160 degrees Celsius to avoid sulfur corrosion in the economizer outlet. Question number 100, auxiliary boiler, answer is B, need not assist propulsion. Question number 101, gain from hybrid system, find incorrect statement. Answer is C, engine power maximum relative power production for 80,000 kilowatt main engine is 6.5%. Question number 102, heat recovery potential from dual pressure Rankine cycle, find an error statement. So answer is A, gain from hybrid system is in its independency on the main engine size. Question number 103, gain from hybrid system, rule of thumb, engine power system to be chosen as follows, find an incorrect statement. Answer is B, less than 25,000 kilowatt STG only. Question number 104, recommended operation procedure
Combating and controlling EGE man BMW normal operating condition. Find the incorrect statement. Answer is C. Especially if the boiler is fitted with an on/off bypass duct/valve, which can be activated in the running conditions but never during the load operations. Question number 105. Identify an incorrect assumption regarding boiler design. Answer is C. In the curved plate, when the force is applied, the plate will continue to bend until the stress component becomes larger than the force itself. Question number 106. Identify an incorrect assumption regarding boiler design. Answer is A. The doubler plate for manual can be avoided in modern fully welded boiler that uses a thinner shell plating and lower factor of safety. Question number 107. Identify an incorrect assumption regarding boiler design. Answer is C. Poor circulation and scale are the only cause of overheating of boiler tubes. Question number 108. Identify an incorrect assumption regarding the boiler design. Answer is A. Under pressure, the total force tending to cause a cylindrical boiler to burst longitudinally is equal to pressure into area resisting. Question number 109. Identify incorrect assumption in statements below. Answer is D. E is the elongation per unit length. Question number 110. Identify an incorrect statements or assumption regarding the boiler design from the below. So answer is D. Tank type water tube boilers are superior to other drum type boilers in faster steam raising and better heat transfer. Question number 111. Identify an incorrect assumption regarding boiler design. So answer is D. Under pressure, pressure into area resisting is equal to stress into area projected, area acted on. Question number 112. The bending of plate creates the following stresses. Identify the stress that is unlikely. Answer is D. Thermal stress. Question number 113. The stresses that the longitudinal joints in a boiler are subjected to is given. Identify the one type of stress that is not present. Answer is B. Torsional stress. Question number 114. Identify an incorrect assumption regarding boiler design. Answer is D. Elliptical manholes, when cut in the cylindrical portion of shell, they must be arranged with their major axis parallel to the longitudinal axis. Question number 115. Identify incorrect statement with respect to Cochran spheroid boiler. Answer is A. Spherical furnace has a problem for attachment with the tube plate with welded connection. Question number 116. In the boiler water and condenser hot well levels are normal, but the DC heater level is only 30% of full. You should answer is C. Open the makeup feed. Question number 117. While the vessel is rolling in heavy seas, the level in the boiler gauge glass remains steady. This is an indication that answer is B. There is most likely an obstruction in the lower valve. Question number 118. Maintaining a low pressure in condensing turbine exhaust trunk. Answer is A. Enables the better utilization of available heat energy to perform work. Question number 119. The boiler gauge glass should be periodically blown down to. Answer is D. Remove any sediment building in the gauge glass. Question number 120. Which of the below listed order of valves represent proper installation of the main feed water supply line to marine propulsion boiler? Answer is D. Stop, check, regulator, stop. Answer is question number 121. In the steam raising process in the boiler, see the state points on specific volume/pressure diagram and identify the incorrect statement. Answer is A. A to B, no heat addition in the boiler.
क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एडवांटेज इन इवेपोरेटिंग सी वाटर एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आंसर इज ए, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट। क्वेश्चन नंबर 1-3, इफ़ द प्रेशर बिकम्स एक्सेसिव इन द ऑक्सिलरी एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द स्टीम प्रोपल्शन प्लांट, द एक्सेस स्टीम नॉर्मली विल बी डम्प्ड टू? आंसर इज डी, मेन कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 1-4, अ हाई वाटर लेवल इन डी एरेटिंग फीड हीटर विल कॉज द ऑटोमेटिक डम्प वेल टू ड्रेन कंडेंसेट टू दी? आंसर इज बी, रिजर्व फीड टैंक। क्वेश्चन नंबर 1-5, इफ़ द प्रेशर बिकम्स एक्सेसिव इन द ऑक्सिलरी एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ अ स्टीम प्रोपल्शन प्लांट, द एक्सेस स्टीम विल बी नॉर्मली डम्प्ड टू? आंसर डी, मेन कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 1-6, इन द स्टीमिंग बॉयलर मोस्ट डिसॉल्व्ड क्लोराइड्स टेंड टू कॉन्सेंट्रेट एट और नियर दी? आंसर इज डी, वाटर सरफेस। क्वेश्चन नंबर 1-7, क्लोराइड कंटेंट अलाउड फॉर बॉयलर ऑपरेटिंग अबाउ 30 bar मस्ट बी लेस दैन -ppm? आंसर इज डी, 20। क्वेश्चन नंबर 1-8, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फीड वाटर हार्डनेस टेस्ट? करेक्ट आंसर इज सी, टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 1-9, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन द बॉयलर वाटर कैन इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ? आंसर इज डी, इनसफिशेंट ब्लो डाउन। क्वेश्चन नंबर 1-30, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन टू अ कंडीशन स्लज इन अ हाई प्रेशर बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट? सो आंसर इज सी, स्टार्च। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन।